दांत में कीड़ा लगना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि डॉक्टर साहब दांत में कीड़ा लगा हुआ है, दांत में कीड़ा अंदर चलता है, दांत में कीड़ा काटता है, आखिर ये कीड़ा दिखता कैसा है और कीड़ा होता भी है या नहीं होता है, या ये सब हमारे मन का भ्रम है। तो मैं आज सिर्फ बात नहीं करूंगा बल्कि हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि उसमें कीड़ा होता है या नहीं होता है। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक डेंटल सॉल्यूशन। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे कि दांत में कीड़ा होता है या नहीं, उसके लिए जो बेसिक जो लोग चीज़ें घर में करते हैं मैंने भी वही ली हैं। ये है यूजेनल ऑयल, ये नीम का तेल जो लोग ज़्यादातर दांतों में लगाते हैं, और मैंने कुछ ये दांत लिए हैं, ये मैंने आज ही सुबह एक्सट्रैक्ट किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, मुश्किल से 15-20 मिनट हुए हैं। तो हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मैंने इनको निकालते ही पानी में डाल दिया था, तो ऐसे अभी मुझे इसके अंदर कोई कीड़ा दिख नहीं रहा है कि यहाँ कोई कीड़ा अभी है, तो आगे देखते हैं कि इसमें से कीड़ा निकलता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दांत मैंने निकाला है, इसमें कीड़ा लगा हुआ है, ये ऐसा पेशेंट ने कहा था। ये दूसरा दांत है, इसके अंदर भी यहाँ पे छेद था तो इसको भी निकाल दिया है। तो सबसे पहले एक के अंदर हम डालेंगे ये लौंग का तेल, तो इसको हम यहीं रख देते हैं, हो सकता है कि इससे कुछ हो और वो बाहर आ जाए। और दूसरे दांत के ऊपर हम डालेंगे नीम का तेल, जो लोग लगाते हैं, कुछ लोग इस पे हल्दी नमक भी रगड़ते हैं, लेकिन ये इतना हार्ड है कि हल्दी नमक इसके अंदर जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट कैविटी में मैंने ये लगा दिया है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। तो अभी तक जिसमें हमने ये लौंग का तेल और नीम का तेल डाला था यहाँ से कुछ बाहर नहीं आया है, ये पूरा आपके सामने ही पड़ा हुआ है, यहाँ कोई कीड़ा अभी तक बाहर नहीं निकला है, ना ही इसमें से कुछ बाहर निकला है। और इस वाले दांत को मैंने आपको क्लीन करके दिखा दिया है, ये मैंने आज ही सुबह निकाले थे। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि जब गर्म खाते हैं तो कीड़ा हिलता है अंदर या दर्द करता है, तो हो सकता है उनको लगता हो कि ऊपर कीड़ा नहीं है या जड़ों में बैठ गया हो, तो उसको भी हम करके देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा हीट दूंगा, अगर कुछ होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल नेचुरल हीट है, आप देखिए दांत जलने लग गया है, इतनी ज़्यादा हीट है। तो अभी भी इसमें से कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि उस छेद में से कुछ बाहर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ नहीं है, ये पूरा नीचे से जल भी चुका है, लेकिन कुछ भी होता तो इतनी तेज आग अगर कहीं आपका हाथ जल जाता तो आप भी इधर उधर भागते, लेकिन यहाँ पे कोई कीड़ा नहीं है, ना ही कोई कीड़ा बाहर आया है। ठीक है, तो ये दांत का ये खराब हो गया। अब हम दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, जिसमें नीम का तेल हमको लौंग का तेल हमने डाला था कि इसमें कुछ कीड़ा है या नहीं है। ये जो ब्लैक ब्लैक है मैंने जैसे पहले बताया, ये सिर्फ बैक्टीरिया के एसिड की वजह से है, यहाँ कोई ऐसा कीड़ा नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे मशीन चला रहा हूँ कि कुछ भी होगा तो फटाफट चल के आ जाएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं वो चलते हैं कीड़े, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कीड़े कैसे होते हैं और कहाँ चलते हैं। और यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा है, तो पूरी तरह मैंने इसको साफ कर दिया है, ये इसकी नसों तक मैं पहुँच गया हूँ, देखिए यहाँ भी कोई कीड़ा नहीं है। तीसरा दांत है, उसको भी मैंने अच्छे से अंदर तक साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं इतनी, यहाँ भी कोई कीड़ा नहीं है। ये पूरी तरह से मैंने इसको क्लीन कर लिया है, और फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं इसके अंदर फिर से वो दवाइयाँ डाल देता हूँ।
थोड़ी देर देख लेते हैं, क्या पता कहीं से कोई कीड़ा बाहर भागता हुआ हमको दिखाई दे जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको ये तीन दांतों पे ये करके दिखा दिया है। ये सब फ्रेशली निकाले हुए दांत थे, इसको हमने हीट भी करके देख लिया है, इस पे हमने सब मेडिसिन लगा के भी देख ली है और इस पे भी। तो बेसिकली जो भी ये कैविटीज होती हैं ये सब एसिड की वजह से होती हैं, और एक बार जब नसों में कीड़ा लग जाता है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर आगे एक्सरे से डिसाइड होता है कि उसमें फिलिंग होगी, रूट कैनाल होगा या क्या होगा। तो मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दिया है, हमने दांत में छेद भी बना के देख लिया, उसके अंदर मेडिसिन भी लगा के देख ली कि कोई कीड़ा बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं कि दांत में कीड़ा होता है या नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कि दांत में कीड़ा लगता क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि डॉक्टर साहब मेरी जाड़ को कीड़े ने खा लिया है, अब उसमें दर्द हो रहा है, अब उसको निकाल लीजिए, नहीं तो वो दूसरे दांत में चला जाएगा, उसको भी खराब कर देगा। तो उसके पीछे ओरिजन क्या है, ऐसा क्या होता है कि दांत इतने मजबूत होने के बाद भी उनमें छेद हो जाता है, या कीड़ा उन्हें कैसे खा लेता है, या कीड़ा कहाँ से आ जाता है। तो कीड़ा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके पीछे बेसिक थ्योरी ये है कि बहुत टाइम पहले जब साइंटिस्ट स्टडी किया करते थे तो उनको टूथ में, जैसे कि लोग गंदा पानी पीते थे तो गीनिया वॉर्म्स करके एक चीज होती थी जो गंदे पानी में पाई जाती थी, तो लोग उस गंदे पानी को पीते थे तो उसकी वजह से मुंह में कई बार वो अंडे दे देते थे तो वहां से कीड़े दिखाई पड़ते थे। तो लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया कि दांत को कीड़ा खाता है, या दांतों के अंदर वो घुस के वहां से खून चूसता है और अपनी वहां पे लाइफ बिताता है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्टों ने और साइंस ने तरक्की की, उनको माइक्रोस्कोप में दिखा कि ऐसा कुछ कीड़ा नहीं होता है। तो कीड़ा लगता क्यों है, इसके लिए चार बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला दांत, अगर दांत होना बहुत जरूरी है, दांत ही नहीं होगा तो कीड़ा कहाँ लगेगा, दांत होना जरूरी है। थूक का होना जरूरी है, यानी कि जो आपके मुंह में लार होती है उसका होना जरूरी है। जो बैक्टीरिया है जो कि दांत को गलाएंगे उनका होना जरूरी है। और चौथा कोई शुगरी चीज यानी कि मीठी चीजें, इनसे ये चारों चीजें फैक्टर होंगी तभी आपके दांत में कीड़ा लगेगा। तो बेसिकली दांत के कीड़ा लगने के पीछे क्या साइंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाने को चबा चबा के छोटे छोटे पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी लार भी मिल जाती है, और छोटे पार्ट होने के बाद वो खाना हमारे दांतों में चिपक जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे दांत हैं, इस तरह से हम खाना चबाते हैं। यहाँ पे हमारे दांतों के बीच में ये छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ताकि जब हम खाने के लिए मुंह को बंद करें तो दांत पूरी तरह मिले और खाना वहाँ से अच्छे से चप जाए। तो जब खाना बहुत छोटा होता है चिपकने वाला, तो वो इन लाइनों में अंदर जाके चिपक जाता है। यहाँ चिपकने की वजह से वो खाना जब आप ब्रश नहीं करते हैं रात में, या आपने काफ़ी दो तीन दिन ब्रश नहीं किया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है कि रात में आपने खाना खाया और सिर्फ कुल्ला करके सो गए, तो अगर बहुत चिपकने वाली चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ है, तो वो यहाँ पे चिपकी रह जाएगी। अब यहाँ चिपकने से होगा क्या, खाना यहाँ चिपका हुआ है इन जगहों पर, तो यहाँ पे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएंगे। वो बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि दही के अंदर भी कीड़े होते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो नेट पर सर्च कीजिए, दही के अंदर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो दिखाई देंगे। वैसे ही दांतों के अंदर भी होते हैं, वो आपको वैसे नहीं दिखेंगे, वो बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, वो सब जगह हैं, हवा में भी हैं, सब जगह होते हैं। वो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खाना फंसने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएंगे, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाने को कंज्यूम करते हैं, उस खाने को यूज़ करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से जो हमारे दांत का जो हार्ड सरफेस है, जो ये जिससे हम कहते हैं कि ये कैल्शियम से बना हुआ है, तो वो लैक्टिक एसिड जो है उन दांतों को, दांत के कैल्शियम को गलाना शुरू कर देता है। और धीरे 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 जब वो एसिड छोटा सा होल बन जाता है वहाँ पे, तो खाना और ज़्यादा फंसने लग जाता है, और खाना फंसने की वजह से
और ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और एसिड भी उतनी ही मात्रा में बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो कैविटी अंदर की तरफ बढ़ती रहती है, यानी कि वो होल बड़ा होता रहता है क्योंकि धीरे धीरे वहां पे एसिड इकट्ठा होता रहेगा, कैल्शियम धीरे धीरे गलता रहेगा और कैविटी बड़ी होती जाएगी और जैसे ही वो कैविटी दांत की नसों में पहुंच जाएगी दांत में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये आप दांत देखिए, इनके बीच में अगर गैप होगा यहाँ पे खाना फंसा रहेगा, जैसे कि ये खाना यहाँ फंस गया, अब आपने रात में ब्रश नहीं किया, फ्लॉस नहीं किया, सिर्फ कुल्ला करके सो गए तो वो खाना यहाँ दो दांतों के बीच में फंसा रहता है, तो यहाँ पे उनके साइड में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा कीड़ा आके वहाँ बैठ नहीं जाता है, टॉफी चॉकलेट में कीड़े पैक होके नहीं आते हैं, वो यहाँ पे जब खाना फंस जाएगा वो साफ नहीं होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया बनेंगे, वो बैक्टीरिया वहाँ पे एसिड बनाएंगे, एसिड की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे दांत गलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो काला काला आपको दिख रहा है यहाँ पे एक होल हो जाएगा। होल जब अंदर दांतों की नसों तक पहुँच जाएगा तो दांत में दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसी लिए हम रूट कैनाल करते हैं, यानी कि जब दांत में दांत की नसों तक वो कैविटी पहुंच जाती है, वो होल पहुंच जाता है तो उस एसिड की वजह से दांत की जो नसें होती हैं वो दर्द करना शुरू कर देती हैं। उस दर्द को ख़त्म करने के लिए हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। जिन लोगों ने रूट कैनाल का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब रूट कैनाल में बेसिकली हम अंदर की जो दांत की नसें होती हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुकी हैं उस बैक्टीरिया की वजह से, उनको साफ करके निकाल देते हैं, दांतों की पूरी तरह से भराई करते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो बेसिक सिर्फ यही है कि अगर खाना फंसा रहेगा, आप ठीक से साफ नहीं करेंगे तो चाहे कितने भी साफ दांत हो वो उनमें कैविटी बन जाएगी। तो इसलिए आपको दिन में दो बार ब्रश करना है दिन में, आपको माउथ वॉश का यूज करना है, फ्लॉस करना सबसे जरूरी है क्योंकि अगर आप दांतों के बीच में इस एरिया में फ्लॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो ये बीच का एरिया, तो यहाँ खाना फंसेगा और सबसे ज्यादा कैविटीज यहीं से शुरू होती हैं क्योंकि खाना यहीं फंसा रहता है, बैक्टीरिया सबसे पहले घर यहीं बनाते हैं, यहीं पर ही वो एसिड बनाना शुरू करेंगे, यहीं से दांत गलना शुरू होगा। तो आपको मुंह की पूरी तरह से सफाई करनी है, रात में ब्रश करना बिल्कुल ना भूलें और जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद ब्रश जरूर करें क्योंकि जितना ज्यादा आप खाना निकाल पाएंगे उतना ही कम चांस है कि वहां पे बैक्टीरिया होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत मीठा खाया, बहुत चॉकलेट खाई, उसकी वजह से मेरे दांतों में कीड़ा लग गया। तो ऐसा जो टॉफियों में या चॉकलेट में कोई कीड़े पैक होके नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो मीठा होता है वो बैक्टीरिया को समझ लीजिए ज्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा एसिड बना पाते हैं। क्योंकि अगर जैसे नॉर्मल रोटी दाल चावल है तो इनमें उतनी शुगर नहीं होती है जिससे कि वो ज्यादा एसिड बना पाए, लेकिन टॉफी चॉकलेट ये बहुत ज्यादा मीठे होते हैं इसलिए वहां से एसिड प्रोडक्शन बैक्टीरिया जो है ज्यादा कर सकते हैं और ज्यादा एसिड वो बनाएंगे मतलब कि कैविटी जल्दी जल्दी बनेगी। जितना एसिड बनेगा कैल्शियम दांत का उतनी जल्दी जल्दी गलेगा और उतना ही बड़ा छेद उसमें हो जाएगा। तो आप जब भी ये सब चीजें खाएं, मीठी चीज खाएं, उसके बाद ब्रश जरूर करें, इसी से आप बच सकते हैं कैविटी से। तो ये बेसिक एक चीज थी। अब कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं फिर भी उनके दांत खराब नहीं होते, तो लोग कहते हैं कि वो भी इतना मीठा खाता है उसके दांत तो खराब नहीं हुए। तो उसमें एक एक्शन आपकी लार का भी होता है, जो हमारे मुंह में लार होती है वो बफरिंग एक्शन यानी कि आप समझ लीजिए उसको न्यूट्रलाइज करती है। जैसे कि बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं और आपकी लार में जो चीजें हैं वो आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। अब कई लोगों के मुंह में थूक कम बनता है, किसी भी चीज से हो सकता है, या तो उसको कोई बीमारी हो या वो रेडिएशन थेरेपी पे हो या कोई भी कारण हो, अगर उसके मुंह में कम लार बनती है तो उसके मुंह में आपको कैविटीज ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने का जो लार है वो वहां पे है नहीं और खाना फंसने की वजह से एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसिड दांत को ज्यादा गलाता है और लार उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं और जो ये आप टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि उसको दांत से कीड़ा निकालता है या वो दांत से कीड़ा निकालते हैं या गांव में धुआं लेने से कीड़ा निकल जाता है और बाहर वो लोग लिटरली पत्ते पर दिखाते हैं कि कीड़ा ऐसा दिखता है, ठीक है, तो ये सब मेरे हिसाब से एक अंधविश्वास है, लेकिन बाकी मैंने आपको डेमो में दिखाया है तो समझदारी आपकी है कि उसमें कीड़ा होता है या नहीं होता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम गांव में जाके धुआं वो हमारे मुंह में डालते हैं और उससे कीड़ा बाहर निकल जाता है, तो उसके पीछे बेसिक्स क्या है? जो भी वो बीज यूज करते हैं या जो भी चीज वो जलाते हैं
वो एक तरह का सिडेटिंग होता है, तो जैसे ही आप उसको इनहेल करते हैं आपको सिडेशन हो जाता है, सिडेशन होने की वजह से आपका दर्द पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब वो कीड़ा कहाँ से निकालते हैं ये अभी भी एक मिस्ट्री है। तो जो गिनिया वॉर्म्स हैं या कोई भी वॉर्म्स है, ज़्यादातर ये बैम्बू वॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो लकड़ी यूज़ करते हैं उसी के अंदर वो होते हैं, तो जब वो उसको हिलाते हैं तो शायद वहाँ से बाहर गिर जाते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो आपको बताया जाता है कि ऐसा करने से दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, सरसों के तेल और नमक से मालिश करने से कीड़ा नहीं लगेगा, या नीम की दातुन करने से कीड़ा नहीं लगेगा, तो उसका क्या रीज़न है? जो सरसों के तेल और नमक मिला के मालिश करने से आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दांत तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, मतलब वो एक सख्त चीज़ है, तेल और नमक तो उसके अंदर जा नहीं सकता है। वैसे ही नीम की दातुन है, अगर नीम की दातुन का रस जो है वो आपके मसूड़ों के लिए अच्छा है, लेकिन वो दांत के अंदर जाके उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा कि वो ठीक हो जाए। और लौंग का तेल और बाकी सब चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए आराम दे सकती हैं, क्योंकि वो एनेस्थेटिक होती हैं, उससे थोड़ा सा सुनपन सा आ जाता है, इसलिए दांत में कभी दर्द हो तो लौंग का तेल आप लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर कभी भी आपको दांत में दर्द हो तो आप उसके अंदर घरेलू उपाय और जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ये लगाने से बचें, क्योंकि अगर वो छेद जहाँ पे वो बैक्टीरिया है अगर वो छेद ब्लॉक हो जाएगा तो आपको और ज़्यादा तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट की सलाह लें और पता करें कि उसमें क्या करना है। तो जब एक बार कीड़ा लग गया तो होगा क्या उसके अंदर, मुझे क्या ट्रीटमेंट चाहिए होगा, मैं कैसे ठीक करवा सकता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ठीक करवाने के लिए जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसका एक्सरे करेंगे टूथ का, और अगर कैविटी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत कम कैविटी है, तो इसमें मशीन चला के ये जो ब्लैक पार्ट है जो कि बैक्टीरिया के एसिड की वजह से डिसकलर हो चुका है, इस पार्ट को निकाल के वहाँ पे फिल मसाला भर दिया जाएगा, जिसको हम डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में फिलिंग बोलते हैं। और अगर वो कैविटी थोड़ी डीप भी है, यानी कि थोड़ी गहरी भी है, तो भी उसके अंदर फिलिंग हो जाती है। लेकिन अगर कैविटी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, नसों तक लग चुकी है, तो जब ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाए, या दांत पे दांत बिठाने से दर्द हो, या बिना कुछ किए भी दांत में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। फिर आपको शायद उसमें फिलिंग से बात ना बने, आपको उसमें रूट कैनाल यानी कि दांत की नसों का इलाज कराना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 से 3 सिटिंग देने पड़ेंगे, जिसमें वो जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से जितनी उसकी नसें खराब हो गई हैं उनको निकाल के उनकी भराई की जाती है और दांत के ऊपर कैप लगाई जाती है।